सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 महीने पूरे होने को है, लेकिन अब तक उनके असली गुनहगार का पता नहीं चल पाया। सुशांत की मौत के बाद एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला यूं ही बरकरार है। आए दिन केस में नए खुलासे सामने आते हैं। अब हाल ही में फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री सुशांत को लेकर दावे के साथ अपनी बात सामने रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सुशांत को उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें, विवेक अग्निहोत्री सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती केवल मोहरा है और मुंबई पुलिस व महाराष्ट्र सरकार इस केस में कुछ बेहद पावरफुल लोगों को बचाने का काम कर रही है। विवेक अग्निहोत्री ने ये आरोप अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके लगाए हैं। आपको बता दें, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए दावे के साथ लिखा, एक बार एक फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक एक्टर की बहस हुई थी जिसे एक स्टार ने लॉन्च किया था। इसके बाद उस स्टार ने गुस्से में सुशांत का करियर खत्म करने की धमकी दी थी, जैसे उन्होंने दूसरे लोगों का कर दिया। रिया केवल एक मोहरा है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कुछ बेहद पावरफुल लोगों को बचा रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट में विवेक ने उस स्टार का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, इससे पहले विवेक ने बॉलीवुड में ड्रग्स के उपयोग पर भी अपने बातें सामने रखी थी और कहा था कि पिछले 10 सालों से बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल आम हो रहा है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है और ये बॉलीवुड के लिए काफी नॉर्मल बात है। यहाँ अलग अलग किस्म की लड़कियां बाहर से आती हैं, उन्हें ड्रग्स दिया जाता है और उनका करियर इसी तरह से तहस नहस हो जाता है और ये चीज काफी समय से चल पा रही है, जो कि महाराष्ट्र पुलिस भी जानती है। आपको बता दें, अग्निहोत्री के इस ट्वीट के बाद लोगों का कहना है कि हम सब जानते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप सलमान खान की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ सलमान खान ने ही किया है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ तो CBI ही पता लगाएगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।